बन रहा है अभी पेट्रोल वाली। मेरा आदमी ना ये खाता है, ये डब्बा ना 1700 रुपए का आता है, और ये पान पराठे जो तेरे आदमी की औकात नहीं है, 10 रुपए वाली पूरी खाता है, वो भी लोगों से मांगता है, जिस जिसके घर पे मेहमानदारी में जाता है उनको बोलता 50 रुपया दे रहे भाई अभी देता हूँ, 100 रुपया दे रहे भाई अभी देता हूँ। खाली तू शाइनर गिरी दिखाती, मरद के जेब में भी थोड़ा पैसा रख जो लल्लू को तूने पाल के रखी। देख ये खाता मेरा मरद, और इसका थूक भी इतना महंगा है कि तुम लोग के मुंह पे भी नहीं थूक सकता है। जो तेरा फेशियल ब्लीच का ना 2 महीने का खर्चा रहेगा तो 1 दिन में खा के फेंकता है। इसका थूक भी महंगा है, और जिसके घर पे आता है उसको बोलता है सिगरेट पिलाओ, गुटके के लिए पैसे दो, भाकरवाड़ी तो उसका नाम रखे ले लोगों ने, जो जाती ना ग्रुप में उसको बोलते भाकरवाड़ी तेरे मरद को, तेरे मरद का तो एक से एक नाम रखे ले। 100 महीने तो बुड्ढा रखी हूँ पहले से, क्योंकि तूने बुड्ढी ने बुड्ढा ढूंढी, और तू बराबर बोलती मैं 16 साल की, तू मेरी उम्र बराबर पहचानती है। देखी 16 साल की 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। एपिसोड नंबर 5 बोले तो 5, इंग्लिश तो मैं ज्यादा बोलती नहीं। हाँ अभी क्या बोलती कि मेरे कितने मरद हो गए, अभी मेरी बेटी के ऊपर आई, तू तो सबकी बहू बेटियों पे जाने वाली औरत है, तू किसको कभी बख्शी क्या, सबके गिनने की तेरी आदत है, तेरे तू गिन ही सकती है कि तेरे को अल्लाह ने करने की औकात ही नहीं दी है, तेरी शक्ल ही नहीं दी है। वो गटर गंदे मुंह का संडास का कहता संडास अपना रहता है WC के मुंह का, तो मरद करिए तूने, जब देखो कहता गंदगी भरेली, इतने गंदे को तुम्हें ढूंढी जाके तेरी चॉइस मालूम पड़ती है। और क्या बोलती काला पसंद है, गोरा कहाँ से मिलेगा, तेरी शक्ल भी तो होना चाहिए गोरी मरद मिलने के लिए। देख पूरी चमड़ी लटक गई यहाँ से पूरी बुड्ढी मेरी माँ के उम्र की, मेरी माँ तेरे उम्र की, मेरी माँ को आज खड़े करूँ तो तेरे से अच्छी दिखेगी रे, तेरे से अच्छी तो मेरी माँ दिखती है। और उसके बाद में सुबह सुबह तेरा भयानक चेहरा जब लेके आती तो तेरा आँख वाँख साफ कर लिया कर, और तेरी और दाढ़ी मुच्छी जो आई है नीचे काटा कर, लोग डर जाते मेरे बिल्डिंग वाले आके बोले भयानक चेहरे को बोलो, हमारे बच्चे देख के डर जाते खौफ में आ जाते। एपिसोड नंबर 6 हाँ अभी ये क्या बता रही थी कि भाई मेरे कितने हुए कितने नहीं हुए, मेरी गिनती कर रही है, मेरे 50 हुए, मैं बोल रही ना 50 हुए। ओके तो अपनी गिनती करा ना, तू मेरी पंचायत करने मेरे एरिया में वो फरजाना के घर पे आ रही है, देखो कितनी पंचायत पड़ी है, मेरे को तो घर बैठे तेरी पंचायत मिलती है। हाँ वो चाइनीज कुबड़ा तेरा धगड़ रकेला पहला 500-500 रुपए में तू उसके साथ में लॉज में जाती है भाई, है ना, चाइनीज कुबड़ा राजू का भाई, और वो तू वहाँ से 500-500 रुपए में चद्दर बदलू कौन सी होटल के साथ में, किसके साथ में बिजनेस करती थी लड़की लोग का, लड़कियों को धंधे पे लगाती थी, क्योंकि तू तो धंधे पे चढ़ेगी नहीं क्योंकि तू बुड्ढी है, और तू लड़कियों को तो चढ़ा लड़कियों को धंधे पे रखती थी, कि ब्याजों से पैसे तू बांटती थी, तू तो इतना फेमस है ना सामराबर, तू ना मालोनी में इतनी फेमस है कि बच्चा देखो जानता है धंधे वाली के वजह से, कोई भी पूछो तो बोले सायरा धंधे वाली, अरे तू तो इतनी फेमस है हमारे को तो इतना कोई देखो तो मेरे एरिया में आके मेरी। नंबर 7 बेटा तो इतना दलाल है कि रैना पर इधर अगली बार 11वीं शरीफ की नियाज थी, हम लोग गए वहाँ बुड्ढा बैठा है, बुड्ढा भी भड़क गया देख के, छत्तीसगढ़ वाले का नंबर ले रहा माँ के लिए, और छत्तीसगढ़ वाले तुम्हारी माँ का नंबर, माँ को भी बुड्ढा रहते हुए भी भिड़ा रहा छत्तीसगढ़, बच्चे भी दलाल हो गए ले, जैसा खाना खाते वैसी बोलते ना जैसा खाएंगे वैसी गाएंगे, तो उसने वैसी खाना उनको रिजक खिलाई है, तो बच्चे भी दलाल हो रहे, छत्तीसगढ़ वाले का नंबर ले रहा है, बताओ माँ के लिए ऐसा कोई बच्चा दलाल देखे कि हमारा तो सारा 12 साल का हमारा दुपट्टा जरा इधर का उधर रहेगा तो बच्चा छिल जाता है, ये हाथी जैसे बच्चे बेगरत खाना खा के बच्चे भी बेगरत हो जाते, खाने का असर होता है, जो चीज से अपन खाना खिलाते ना ईमानदारी का ब्याज का जिसका खिलाए तो वैसा, तो बच्चे भी बराबर वैसे हो गए ले दलाली वाले हो गए ले, और वो बड़ा वाला तो टर्की बराबर बोलते सब चरसूला गंजोड़ा है वो, और मराठी लड़की के पीछे पड़ा है, करके दे देना उसकी शादी, क्यों बोलती मुसलमान से करूँ, तू तो जात बात में ध्यान नहीं रखती, तो करके दे उसकी शादी। हाँ एपिसोड नंबर 8 अभी आप लोग मेरा 8वां देखिए, क्योंकि तेरे को तो बेटी है ही नहीं, तो बेटियों की कीमत मालूम नहीं, हम लोग नसीब वाले कि अल्लाह ने हमको बेटी तो दी, हम मरेंगे तो हमारे सिराने बेटी लोग बैठ के कुरान तो पढ़ेंगे, तूने तो लंडे लोग को जन के रखी है, वो दलाली कर सकते एक पारा पढ़ नहीं सकते, समझी क्या, इसीलिए हमको बेटियों की कीमत ज़्यादा मालूम है, और तू बेटियों की सबकी इज्जत उठाने वाली तू है, जब अल्लाह ने तेको इसलिए बेटी ने दिया है, बेटी से तेको महरूम रखा है, सोच ले कि अपने हुजूर को तक बेटी पसंद थी, तेरे को जैसे नालायक को इसलिए नहीं दिया कि बेटी भी आती ना तो उसको धंधे पानी पे लगाती, इसलिए तेरे को बेटी नहीं दिया, इसलिए तेरे को बेटियों का दर्द नहीं है किसी को, इसलिए हर किसी की बेटी को किसी को भी कुछ भी बोलती है ना तो जिसके घर में बेटी रहती ना वो हमेशा डरावा रहता, और तेरे को अल्लाह ने बेटी नहीं दिया ना इसलिए तेरे को बेटी की कदर नहीं है, समझी। और तू क्या बोलते रहती जब देखो जब तेरा ये खोलती वो खोलती, तेरा खोला कौन डरता है, कौन दीदा दूध का दुलेला ये बता, दूध का दुलेला कौन है, हाँ सबके गाड़ के नीचे ना अंधेरा लगेला है।
बन रहा है अभी पेट्रोल वाली। मेरा आदमी ना ये खाता है, ये डब्बा ना 1700 रुपए का आता है, और ये पान पराठे जो तेरे आदमी की औकात नहीं है, 10 रुपए वाली पूरी खाता है, वो भी लोगों से मांगता है, जिस जिसके घर पे मेहमानदारी में जाता है उनको बोलता 50 रुपया दे रहे भाई अभी देता हूँ, 100 रुपया दे रहे भाई अभी देता हूँ। खाली तू शाइनर गिरी दिखाती, मरद के जेब में भी थोड़ा पैसा रख जो लल्लू को तूने पाल के रखी। देख ये खाता मेरा मरद, और इसका थूक भी इतना महंगा है कि तुम लोग के मुंह पे भी नहीं थूक सकता है। जो तेरा फेशियल ब्लीच का ना 2 महीने का खर्चा रहेगा तो 1 दिन में खाके फेंकता है। इसका थूक भी महंगा है, और जिसके घर पे आता है उसको बोलता है सिगरेट पिलाओ, गुटके के लिए पैसे दो, भाकरवाड़ी तो उसका नाम रखे ले लोगों ने, जो जाती ना ग्रुप में उसको बोलते भाकरवाड़ी तेरे मरद को, तेरे मरद का तो एक से एक नाम रखे ले। 100 महीने तो बुड्ढा रखी हूँ पहले से, क्योंकि तूने बुड्ढी ने बुड्ढा ढूंढी, और तू बराबर बोलती मैं 16 साल की, तू मेरी उम्र बराबर पहचानती है। देखी 16 साल की 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। यस अभी तो नंबर, अभी एपिसोड नंबर नहीं बोलती क्योंकि कभी वीडियो बनते ही जाएंगे तो आप लोग कितना गिनेंगे। अभी बुड्ढा है, 4 दिन 2 पीस 90 पेन पेन के दिखा रही, उसको शर्म नहीं आ रही। जवान लड़के लोग, जवान लड़कों का भी उठता है कि इसके लड़के लोग का बैठेला है कि माँ का दाना इतना उठेला रहता है, और बच्चे इतने ठंडे रहते हैं, उनके सामने टू पेस पेन पेन के बुड्ढे के साथ बेडरूम में जाती, तेरे बच्चे के हिजड़े है क्या, जवान तो हो गए ले उनका उठता नहीं है, क्योंकि तू तो इतना नाचते रहती नंगी होके, राने दिखाते रहती, मांडिये दिखाते रहती है। हाँ अभी बुड्ढा है, 4 दिन पर रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, फिर 2 दिन के बाद फिर मार्केट में बैठ जाना छोटा कप लेके, मैं ये गरीबों के बीच में बैठी हूँ, क्या क्यों बैठी हूँ, पैसा वसूली करने बैठी हूँ, ब्याज दी हूँ मैंने लोग को, इसीलिए मैं सुबह सुबह जाके मार्केट में बैठी। कोई घरेलू औरत जाके सुबह सुबह मार्केट में नहीं बैठेगी, अपने घर का काम करेगी, समझी। अभी बुड्ढा चले जाएगा फिर मार्केट में जाएगी वसूली करने, और बुड्ढे को तो खाली वीडियो बनाने के लिए तो बुलाती है बम्बई, और कोई लायक का तो है नहीं वो बुड्ढा। अभी वो बुड्ढे को क्यों बुलाई पता है, अभी हमारे बॉम्बे में मेरी फ्रेंड लोग के फंक्शन रहते हैं, तो फिर मरद चाहिए ना साथ में, बोले सबके मरद लोग आते तो बुड्ढे लल्लू को लेके आ जाती साथ में, फिर वो मालूम है ना, फिर तो अगर बिना बुड्ढे के आती तो हम लोग के मरद लोग को देख के इसकी चड्डी गिल्ली हो जाती है, पानी इसका क्या हो गया, थैली फट एकदम वो हो गई है ना, मार मार के एकदम डैमेज हो गई है, तो क्या पानी निकलते रहता तो क्या चड्डी गिल्ली हो जाती है, वो फट जाती ना थैली, कितनी थैली भी बर्दाश्त करेगी, वो थैली है जहाज थोड़ी है पानी का, जितना आ रहा उतना लेंगी तो लेते रहेगा, फिर क्या चड्डी गिल्ली हो जाती है ना। और फिर वो मेरी बेचारी सहेली का 15 लाख रुपया लिया मेरी रियाना आपा का, और 15 लाख में तो इसने घर का पूरा सवारी और जाके वो दागीने बनाई है, मरद ने 15 लाख की टोपी लगाया, सब पहचानता था ना रियाना आपा को, क्या बुड्ढा पहचानता था क्या रियाना आपा को, 15 लाख ली, घर में थोड़ा सा लाली पाउडर लगा दी उपरा उपरी, और खुद को जाके दागीने बनाए, कुछ शर्म भी आती है और दागीने पहनने के लिए दूसरे के पैसे के, अरे अपने पैसे पे जी। अभी मरद को ये हम लोग का तो पूरे घर से लेके हर चीज का कॉफी करती, पूरा मेरे घर का गई, मैंने तो आर्किटेक्चर से बनाई, तूने तो नल्ला जाके पलंग लेके आई है। हाँ और खुद दूसरे के पैसे पे क्या ऐश करती रे, अपने पैसे पे उड़ना अपने, ऐसे चुतिया बनाया मरद ने 15 लाख आज रियाना पर से लिया, कल सूरत से किससे लाया, दुनिया के पैसे पे दागीने बनाती, दुनिया के पैसे पे ऐश करती, मैंने मोबाइल ली सब दुनिया के पैसे पे, तो अपने पैसे पे करना रिकामा मरद तो करी। टोपी आला टोपी बाज है वो तो बुड्ढा, एक नंबर का सूरत का टोपी बाज, गैरेज के बाजू बैठता है दल्लेगिरी करते खबरी साला। हाँ लुक्का आ जाता 2 दिन में, है हमारा बीबी जॉर्ज बोलता है कहता बोला जॉर्ज बोलती, मेरी बीबी तो एक नंबर बोलती, क्योंकि तू तो ये है तू तो बोल ही नहीं सकता, तेरे को ये भालिया बनाई उसने भालिया, पहले तो भी सूरत में रिया रहेगा तो मरद बना रहेगा, मगर इसके बाद आके ये बन गया एकदम से ठोकने वाला बन गया, जब वो ठोकते रहती तेरी ठोकती तो। चलो अभी इसके एपिसोड तो बहुत हो गए ले, थोड़ा उसको देखने दो, रिलैक्स होन दो, फिर उसको बोलने दो, फिर मेरे जवाब एकदम अच्छे अच्छे गरम गरम आएंगे। अभी आप लोग को इतना गरम गरम न्यूज मिलेगी ना, इसके पूरे मेरे 4 खोल ली थी ना, इसके मैंने 10 पर्दे खोले सॉरी ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये आदमी लोग के बीच में खड़े रहती है ऐसी, अरे मैं ना जा रही, मेरी ना चड्डी गिल्ली हो गई पूरी, ये चड्डी कैसे गिल्ली होती है औरत लोग की जरा बताओ, तुम लोग भी लेडीज लोग ना, इसकी चड्डी बहुत गिल्ली होती है क्योंकि उसकी थैली फट गई है अंदर से, मार मार के थैली पूरी फट गई है, और अभी बहुत हो गया। चलो अभी इसके बनाई मैंने, अभी थोड़ा मेरे को भी एक दूसरे के पीछे पढ़ने का है, और फिर मैं इसका आएगा जवाब तो फिर इंशाल्लाह वापस ऐसी कड़क जवाब दूंगी मैं, बिल्कुल आप लोग जुड़े रहो, थोड़ा टाइम के बाद मैं लाइव भी आऊंगी, आप लोग लाइव पे भी मुझे देखना जरूर, आधे पौने घंटे में मैं लाइव पे भी आऊंगी थोड़े वीडियो बनाने के बाद, और मैं कुछ रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी आप लोग को, जो इसकी जबान के जो बोले ना इसके एरिया के लोग मुझे भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर भी मैं